हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप सबके लिए बना रही हूँ वो है बीफ बर्गर की, और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बीफ बर्गर के लिए मैंने कीमा ले लिया है, और ये बीफ का कीमा है, और इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लाल मिर्च इससे, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, धनिया जाएगा, और हाफ मैं इसमें एग डालूंगी आधा किलो कीमे में, और प्याज डालेंगे। तो चले हम इसको मिक्स करने के लिए हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक, मैंने कीमे में डाल दिया है, और अब हम इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर और लाल मिर्च नमक डाल दिया, और साथ ही इसमें मैंने प्याज काट दी, प्याज मैंने आधा लिया है। प्याज डालने के बाद इसमें हमने डाल दिया धनिया, और एक्चुअली जब आप बर्गर बनाते हैं तो जितना आप कम मसाले इसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मेरी ये रेसिपी है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ये पसंद की जाती है, और ये बर्गर बहुत ही टेस्टी बनता है। अंडा मैंने इसलिए आधा डाला है कि मुझे आधा ही डालना है, वरना आप देख लीजिएगा, ये डिपेंड करता है आपके कीमे पर। तो इसमें मैंने हाफ एग डाल के मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया जी। तो अब हमने इसके कबाब्स बनाने हैं, या पैटी जो भी आप कह लें, और इसके लिए मैंने मेकर ले लिया, और आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों की बात एक ही है, बस थोड़ा सा साइज़ आपने बर्गर के मुताबिक ही लेना है, जितने आपके बंस हैं उसके मुताबिक ही आप साइज़ बनाइएगा। ये देख सकते हैं मैंने ये साइज़ बनाया है, परफेक्ट बनाया अपने बंस के हिसाब से। और अब हम बर्गर की सॉस बनाएंगे, जो कि मेन है, जिससे हमारा बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और सॉस इसकी जो है बनाने के लिए मैंने मायनीज ले ली, मायनीज मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के डालूंगी, टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चमचे केचप, टोमेटो केचप डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। मैं इसमें वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च, और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है सिर्फ कलर देने के लिए सॉस को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये कलर भी आ गया, और ये सॉस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जी तो अब आ गया है इसको फ्राई करने का टाइम। मैंने थोड़े से ऑयल में मैंने कबाब डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद इस पे मैं चीज़ का स्लाइस रखूंगी ताकि इसी पे अच्छा सा मेल्ट हो जाए चीज़। ये चेडर चीज़ है, और आप मेरा बंस का साइज़ देख सकते हैं, इसके मुताबिक ही मैंने एक्चुअली कबाब का साइज़ रखा। और अब हम इसमें मायनीज लगाएंगे। पहले मायनीज लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे ग्रीन लीव, और अब इसमें टोमेटो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको टमाटर नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, मुझे एक्चुअली बर्गर में टमाटर और प्याज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हम इसमें अपना जो है कबाब वो रखेंगे, और आप देख सकते हैं चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। सॉस जो है ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है, और ये बिल्कुल वही टेस्ट आता है जहाँ आप कहीं बाहर जाके खाते हैं। अब हमने इसमें प्याज लगा दिया, और साथ ही मैंने दोबारा लीव्स लगा दिए, और आप देख सकते हैं हमारा बर्गर अच्छा सा रेडी हो गया है, कितना ये अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही टेस्टी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए बनाइएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और जाने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।